हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज में। दोस्तों, कल मैंने करी थी आपके लिए Redmi 6 Pro की अनबॉक्सिंग। उस वीडियो में आपने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैं आपके लिए एक कैमरा कंपैरिजन की वीडियो लेके आऊं Redmi 6 Pro और साथ ही साथ Realme 2 की। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैमरा कंपैरिजन Redmi 6 Pro और साथ ही साथ Realme 2 का। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन दोस्तों। फोटोज आपको दिखा रहा हूं इन दोनों फोन्स के रियर कैमरा से। दोस्तों, आप इसमें ओवरऑल डिटेलिंग और क्लैरिटी देख सकते हो। आपको डिटेलिंग जो है Realme 2 में काफी अच्छी मिलती है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, और नेचुरल कलर्स मिलते हैं आपको Realme 2 के रियर कैमरा से। दोस्तों, अगर मैं आपको ये वाली फोटो दिखाऊं तो आप देख सकते हो ओवरऑल क्लैरिटी, और इस फोटो में आप जो है डिटेलिंग देख सकते हो दोनों फोन्स के कैमरा की। दोस्तों, इसके बाद कुछ और फोटोज आपको दिखा देता हूँ जो आउटडोर कंडीशन में ही ली गई हैं। ये आप इसमें ओवरऑल क्लैरिटी देख सकते हैं, आपको जो है नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं दोनों ही फोन में दोस्तों रियर कैमरा से। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पे मैंने कुछ पोर्ट्रेट फोटोज जो है वो शूट की है। यहाँ पे आप देख सकते हो एज डिटेक्शन ओवरऑल देख सकते हो Redmi 6 Pro में जो है काफी अच्छे से जो है एज डिटेक्शन निकल के आता है, और बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपरली जो है वो ब्लर हो रही है Realme 2 और Redmi 6 Pro दोनों में। ये कुछ नेचुरल फोटोज ली है मैंने Redmi 6 Pro और Realme 2 से दोस्तों। उसके बाद कुछ और फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने Redmi 6 Pro के पोर्ट्रेट मोड में खींची है। आप ओवरऑल देख सकते हो कैसे बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपरली ब्लर है, और एज डिटेक्शन आप इन फोटोज में दोस्तों देख सकते हो। फोटो क्लिक करने वाले पे भी काफी चीजें ये चीजें डिपेंड करती हैं दोस्तों। करें इन दोनों फोन के सेल्फी शॉट्स की दोस्तों, तो जो Redmi 6 Pro है उसमें नेचुरल कलर्स मिलते हैं आउटडोर में, बट जो Realme 2 है उसमें व्हाइटनेस जो है वो भर भर के आपको मिलती है। आउटडोर में कलर कंट्रास्ट आपको काफी अच्छा मिलता है Redmi 6 Pro में, बट आपको डिटेलिंग जो है वो अच्छी मिलती है Realme 2 में दोस्तों, क्योंकि इसका जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जबकि Redmi 6 Pro का 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। सेल्फी हमने क्लिक की है Redmi 6 Pro के पोर्ट्रेट मोड में दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रंट कैमरा से Redmi 6 Pro के। 5 मेगापिक्सल का ये कैमरा है और धीरे धीरे जो है चल भी रहा हूँ। एक बार आपको रुक के दिखा देता हूँ। एक्चुअली ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, लाइट पड़ रही है सीधी आंखों में, तो इसलिए थोड़ी सी डार्कनेस यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं ऐसे मूव ऑन होता हूँ तो आप देख सकते हैं 5 मेगापिक्सल का ये फ्रंट कैमरा है जिससे वीडियो बन रही है Redmi 6 Pro में दोस्तों। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ दोस्तों Realme 2 के। आप इसमें देख सकते हैं ओवरऑल क्लैरिटी, साथ में थोड़ा सा मैं चल भी रहा हूँ, ओवरऑल यहाँ पे ब्राइटनेस है पूरी। तो थोड़ा सा मैं जो है मूव ऑन होके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme 2 का जो फ्रंट कैमरा है उसकी कैसी वीडियो बनती है, क्लैरिटी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों मैं Redmi 6 Pro के रियर कैमरा से बना रहा हूँ। आप इसमें ओवरऑल क्लैरिटी देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि ओवरऑल क्लैरिटी किस में है, Realme 2 में है या फिर Redmi 6 Pro में है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मूव होके और थोड़ा सा फास्ट चल के भी आपको दिखा देता हूँ Redmi 6 Pro का कैमरा। आप इसमें स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको मिलता है दोस्तों EIS। Realme 2 के जो रियर कैमरा से ये वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं, साथ में चल भी रहा हूँ, ओवरऑल आप स्टेबलाइजेशन इसमें देख सकते हो। ये एक बगुला बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे एक और है, तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे आ रहा है। थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन आप इसमें देख सकते हो। इसमें EIS एंड OIS का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों। Redmi 6 Pro के अगर फोकस की बात करूँ दोस्तों, तो जैसे मैं चल रहा हूँ और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड है, और यहाँ मैं हाथ लेके आया, और फोकस आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये फोकस करते हैं, और सड़क देख सकते हैं, ये आप इसका फोकसिंग चेक कर सकते हैं ओवरऑल Redmi 6 Pro। बात करें स्लो मोशन वीडियो की दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ Redmi 6 Pro में। Realme 2 में आपको जो है स्लो मोशन वीडियोस देखने को नहीं मिलती हैं यहाँ पे। इंडोर कंडीशंस में आपको नॉर्मल टू ओके रिजल्ट ही मिलता है। आपको जो है लो लाइट कंडीशन में काफी ज्यादा ग्रेन और नॉइज मिलता है फोटोज में। Realme 2 की अगर बात करें वहां पे आपको नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में जो है अच्छी फोटोज आपको मिल जाती हैं, बट Redmi 6 Pro के लिए आपको एक प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस जो है चाहिए दोस्तों। ये फोटो दोनों फोन्स के फ्लैश ऑन करके खींची है दोस्तों, साथ ही साथ एक एक फोटो ये भी दिखा देता हूँ, ये टोटल डार्क कंडीशंस में खींची है मैंने फोटो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तभी आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।